Hello students, dear students, we are doing our eighth chapter that is human health and disease, and today we will be concluding this chapter by doing the last topic which is left that is drug abuse. We will cover this topic in two parts. So, first of all, what is meant by the word drug? Students, drug is a chemical substance other than food which is used in the prevention diagnosis. और ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज इन मैन और इन एनिमल्स सो ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है अदर देन फूड जो कि हम किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए या उसके क्योर के लिए यूज़ कर रहे हैं या हम कह सकते हैं कि ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस है विच इज़ वेन टेकन इन सम वे वो हमारी बॉडी के फंक्शंस को चेंज करता है ऑल्टर कर रहा है फॉर दी बेनिफिट ऑफ दी पर्सन नाउ स्टूडेंट्स जब किसी ड्रग को क्योंकि हम ड्रग को मेडिसिन भी कह सकते हैं तो वेन वी आर यूजिंग अ ड्रग फॉर अ मेडिकल पर्पस टू ट्रीट दी बॉडीज डिसऑर्डर और इंजरी देन दिस इज़ नोन एज ड्रग यूज़ जैसे हमें कोई प्रॉब्लम है हमें पेन हो रहा है बॉडी में वी आर टेकिंग अ पर्टिकुलर ड्रग या हमें कफ़ की प्रॉब्लम है वी आर टेकिंग अ कफ सिरप तो जब हम किसी मेडिसिन को किसी मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज ड्रग यूज़ बट जब किसी ड्रग को नॉन मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है उसे इतने अमाउंट या फ्रिक्वेंसी में लिया जाता है कि वो हमारे बॉडी के फिजिकल और मेंटल फंक्शन को ऑल्टर कर रहा है इम्पेयर कर रहा है दैट इज नोन एज ड्रग एब्यूज़ इसका मतलब ड्रग एब्यूज तब हुआ जब हमने उस ड्रग का नॉन मेडिकल यूज़ किया उसका नॉन प्रेस्क्राइब यूज़ किया डॉक्टर ने हमें प्रेस्क्राइब नहीं किया है बट वी आर स्टिल यूजिंग दैट पर्टिकुलर ड्रग हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है बट स्टिल वी आर यूजिंग अ पर्टिकुलर ड्रग या हम प्लेजर के लिए वी आर यूजिंग दैट ड्रग देन दैट इज नोन एज ड्रग एब्यूज बिकॉज हम उस ड्रग का गलत यूज़ कर रहे हैं वी आर नॉट यूजिंग दैट ड्रग फॉर दी मेडिकल पर्पज क्लियर स्टूडेंट्स सो ड्रग एब्यूज़ मीन्स ड्रग्स दे आर केमिकल सब्सटांसिस विच वेन टेकन इनसाइड दी बॉडी फॉर अ परपज़ अदर देन मेडिसिनल यूज़ ठीक है सो ड्रग एब्यूज़ क्या है जब ड्रग्स को हम मेडिकल यूज़ के अलावा यूज़ कर रहे हैं मेडिकल परपज़ के अलावा उनको यूज़ किया जा रहा है या हम उसको इतने अमाउंट या इतने फ्रिक्वेंसी में ले रहे हैं दैट इट इज़ इम्पेयरिंग

पर्टिकुलर मेडिसिन को पंद्रह बारी दिन में ले रहे हैं या बीस बारी ले रहे हैं देन दैट इज नोन एज अब्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग दिस इज नोन एज ड्रग एब्यूज क्लियर स्टूडेंट्स ना वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स ड्रग्स जो हैं स्टूडेंट्स दीज आर ऑफ टू टाइप्स, शाइकोट्रोफिक ड्रग्स एंड शाइकोडेलिक ड्रग्स ना वाट आर शाइकोट्रोफिक ड्रग्स शाइकोट्रोफिक ड्रग्स हैं मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स जो हमारे मूड को चेंज करेंगे हम डिप्रेस फील कर रहे हैं या हमारे अंदर एनजाइटी एंसाइ, है परेशानी है या उसको कम कर रहे हैं हम बोर फील कर रहे हैं हमारी बोर्डम को दूर करते हैं दीज ड्रग्स दे आर नोन एज शाइकोट्रोफिक्रग्स या इनको हम कहते हैं मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स दूसरे हैं स्टूडेंट्स शाइकोडलिक ड्रग्स जिनको हेलोसिनोजेंस भी कहा जाता है या विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स कहा जाता है बिकॉज ये जाके हमारे CNS, पे जाके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट करते हैं और हमारी थॉट हमारी फीलिंग्स हमारे किसी चीज को परसीव करने की पावर उसको बदल देते हैं उसको चेंज कर देंगे किसी चीज को समझने की शक्ति ये चीज क्या है हर एक चीज को ये ऑल्टर कर देते हैं विजन प्रड्यूसिंग ड्रग्स हैं बिकॉज इनसे ऑडिट्रील uh, होती हैं मतलब आवाजें सुनाई देती हैं कुछ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की हमें परसेप्शन होती हैं कुछ चीजें नजर आ रही होती हैं हमें जो एक्चुअली बाकी नजर आ रही या कुछ आवाज सुनाई दे रही है जो कि बाकी नहीं दे रही सो दिस इज नोन एज वॉट हेलूसिनोजेंस या शाइकोट्रोफिक ड्रग्स तो ये ड्रग्स जो हैं ये हेलुसिनेशंस प्रोड्यूस करते हैं ये एल्यूजन्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए इसीलिए हम इन्हें विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स के नाम से जानते हैं सो दीज आदी टू मेन कैटेगरीज ऑफ दी ड्रग्स नाउ शाइकोट्रोफिक ड्रग्स की आगे कितनी टाइप्स हैं स्टूडेंट्स शाइकोट्रोफिक ड्रग्स जो हैं दे आर ऑफ फोर टाइप्स सबसे पहले हैं ट्रांसकुलीजर्स ट्रांसकुलीजर्स जो हैं स्टूडेंट्स वो हमारे टेंशन को कम कर देते हैं एंड हमारे अंदर कामलेस की फीलिंग लेके आएंगे बट दे डोंट हैव एनी सीडेटिव अफेक्ट सडेटिव अफेक्ट का मतलब इनसे नींद नहीं आती इन ये नींद जो है वो इंड्यूज़ नहीं करते दे डू नॉट इंड्यूज स्लीप विद इन आर सेल्फ क्लियर सो ट्रांसकुलीज जो हैं वो हमारी टेंशन को कम कर रहे हैं कामलेस लेके आ रहे हैं हमारे अंदर और दे डोंट हैव एनी सिडेटिव इफेक्ट इसमें एग्जाम्पल आता है स्टूडेंट प्लांट रवल्फिया सरपेंटीना का जिसमें से एक एल्कलॉयड एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसका नाम है रिसरपीन सो so, रिसरपीन इज एन एल्कलॉयड विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस प्लान ड्रवल्फिया सरपेंटीना और ये एंटी एन्जाइटी ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता है एंटी एनजाइटी का मतलब कोई परेशानी है कोई चिंता है जिसका कोई कारण नहीं है ठीक है तो ऐसी परेशानी कई बार हमें एन्जाइटी होती है तो एनजाइटी को कम करने के लिए यह ड्रग यूज़ किया जाता है और रिसरपिन जो है ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है सो so, इसे एज एंटी हाइपर ड्रग के तौर पर भी

मतलब इनसे स्लीप इंड्यूस होती है कामलेस की फीलिंग आ रही है बट दे डू हैव अ सिडेटिव इफेक्ट विद इन आर बॉडी स्टूडेंट्स इसमें एग्जाम्पल आता है बार्बी ट्यूरेट्स का और बेंज़ोडाइजापीन्स का क्लियर सो so, बार्बी ट्यूरेट्स और बेंज़ोडाइजापीस जो हैं ये सारे बार्बी ट्यूरेट्स जो हैं वो बार्बी ट्यूरिक एसिड है जो कि केमिकल जो है जो यूरिया और मेलोनिक एसिड से तैयार किया जाता है सो so उसका एक ये डेरिवेटिव है बारब्यूटूरेट और जितने भी स्लीपिंग पिल्स होती हैं जिनको नींद नहीं आती है तो वो नींद की गोलियां लेते हैं तो जितनी भी नींद की गोलियां हैं स्लीपिंग पिल्स हैं उनमें बारबीटूरेट्स जो है दैट इज एडेड क्लियर तो ये जो है स्लीप इंड्यूस कर रहे हैं विथ कामनेस इन अवर बॉडी और दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या है स्टूडेंट्स बेंज़ोडाइजापीस हैं बेंजोडाइजापीन्स भी एंटी एनजाइटी ड्रग्स ही हैं बट दे हैसन स्लीप विद इन आवर बॉडी क्लियर स्टूडेंट सो और हिप्नोटिक्स जो हैं वो एंटी एनजाइटी ड्रग्स हैं बट ये स्लीप इनका सीडेटिव इफेक्ट है जबकि ट्रांसकुलज का दे डोंट हैव एनी सिडेटिव इफेक्ट तीसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स ओ नारकोटिक्स ओपीएड्स नारकोटिक्स जो है ये डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम प्लांट ओपीएम ठीक है so, ये बहुत ही स्ट्रॉग पेन किलर्स हैं स्टूडेंट्स सो ओपीएडस जो हैं दीज आर दी नारकोटिक्स विच आर डिराइव फ्रॉम दी ओपीएम प्लांट्स और इन्हें हम ओपियोइड्स या ओपीएड्स के नाम से जानते हैं इसमें एग्जाम्पल आता है स्टूडेंट्स मॉर्फिन का मॉरफिन जो है दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पोपियम प्लांट जिसको पॉपी प्लांट भी कहते हैं हम तो ये जो पॉपी प्लांट होता है इसमें से मॉरफिन को स्टूडेंट्स हम हिंदी में अफीम भी कहते हैं तो मॉर्फिन जो है वो एक्चुअली uh, जो इनके अनराइप कैप्सुलर फ्रूट्स होते हैं पॉपी प्लांट का इस तरीके से कैप्सूल होता है फ्रूट तो इस कैप्सूल फ्रूट में अगर हम कट दें तो इनसे एक मिल्की लेटेक्स निकलता है तो इस मिल्की लेटेक्स को ड्राई करके उससे जो है वो मॉरफीन जो है वो तैयार की जाती है और ये बहुत ही स्ट्रोंग क्या है एनलजेसिक है एनलजेसिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स पेन रिलीवर है इससे पेन जो है वो कम किया जाता है पेन किलर्स हैं स्पेशली पेशेंट्स जिनमें फ्रैक्चर्स हुआ हो या जिनकी सर्जरी हुई हो या जिनको बर्न्स हो जाता है तो उनको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है तो उस पेन को दूर करने के लिए दे आर गिवन दिस मॉर्फिन सो मॉर्फिन इज़ एक्चुअली अ ड्रग इफ इट इज़ टेकन इन राइट अमाउंट्स इन राइट फ्रिक्वेंसी तो ये दवाई का काम कर रहा है ये जो है ये मेडिसिन का काम करता है बट अगर इसे ज़्यादा लेना शुरू कर दें इंडिविजुअल्स तो उससे जो है होगा क्या कि ये एडिक्टेंट हैं इनसे अगर इनको ज़्यादा लिया जाता है तो इसकी लत लग जाती है और इससे ड्रग्स की क्या हो जाती है एडिक्शन हो जाती है सो so स्टूडेंट्स जो मॉर्फिन है मॉर्फिन जो है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जेसिक जो कि ड्राइड मिल्की लेटेक्स है जो कि इनके कैप्सुलर फ्रूट्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कोडीन जो है कोडीन इज एन जो कि इस ओपियम प्लांट में से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो मिथाइल मॉर्फिन है मतलब अगर मॉर्फिन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया जाए दैट बिकम्स कोडीन तो कोडीन जो है स्टूडेंट्स ये कफ सिरप्स जो हैं कफ सिरप्स में इसको ऐड किया जाता है इसलिए हम देखते हैं कि जो एडिक्टेंट होते हैं वो कफ सिरप्स भी लेते हैं जब उन्हें ड्रग कहीं और से नहीं मिल रहा होता तो वो अपनी इसकी जो बॉडी की जो टेंडेंसी है कि ड्रग लेना है है ना उसको कैसे कवर अप करते हैं बाय टेकिंग दी कफ़ सिरप्स बिकॉज इन कफ़ सिरप्स में कोडीन नाम का एल्कलॉयड जो है वो प्रेजेंट है जो कि इस ओपियम प्लांट में से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है बट कोडी कोडीन जो है वो एक माइल्ड एनर्जेसिक है मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है इट इज़ अ माइल्ड एनर्जेसिक क्लियर नेक्स्ट है स्टूडेंट टिमुलेंट्स स्टिमुलेंट्स जो है वो एक पर्सन को बड़ा अलर्ट कर देंगे वेकफुल कर देंगे है ना उसके अंदर चुस्ती लेके आएंगे एक्टिवनेस लेके आएंगे तो इसमें एग्जाम्पल आता है स्टूडेंट्स कैफ़ीन का तो कैफ़ीन जो है वो हमें पता है दैट इज़ प्रेजेंट इन टी एंड कॉफीज और उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्पल कोकेन का कुकेन uh, और uh, हम ये आगे डिस्कस करेंगे और क्रैक आता है क्रैक एक्चुअली कोकेन की हीटिंग से जो है अगर हम कोकेन को हीट करें विद बेकिंग पाउडर ठीक है तो उससे जो है वो क्रैक जो है वो तैयार किया जाता है एंड विथ टेन मिनट्स ऑफ बींग स्मोक्ड अगर क्रैक की दस मिनट जो है वो स्मोकिंग की जाए तो उससे ड्रामेटिक हाई एक बहुत ही मतलब बहुत जल्दी जो है ड्रग का इफेक्ट जो है वो इसमें प्रोड्यूस होता है फॉर थ्री टू फाइव मिनट्स और उसके बाद एकदम ज़्यादा बॉडी में क्रेविंग हो जाती है फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रग कि दोबारा जब तक बॉडी को वो ड्रग नहीं मिलता तो बॉडी जो है वो जो है वो बहुत काम करना जो है वो बंद कर देती है ठीक है स्टूडेंट्स तो दीज दी वेरियस टाइप्स ऑफ शाइकोट्रॉफिक ड्रग्स इसको हम थोड़े से कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स को आगे डिटेल में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे सो so, पहले है ओपी ऑयड्स सो अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स बताया कि जो ओपी हैं वो ओपियम प्लांट में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जितने भी ड्रग्स हैं स्टूडेंट्स वो हमारे ब्रेन पे जाके अफेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन में अलग अलग रिसेप्टर्स हैं अलग अलग एरियाज हैं जिन थ्रू दीज एरियाज़ अवर ब्रेन इज्स एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद डैट पर्टिकुलर ड्रग्स तो इसी तरीके से ओपियम जो है या ओपीयड्स जो हैं वो ब्रेन में जाके ओपीएड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे या फिर हमारा जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके साथ ये बाइंड करते हैं इसमें एग्जाम्पल आता है स्टूडेंट्स मॉर्फिन हीरोइन मॉर्फिन और हीरोइन के बारे में मैं तुम्हें डिटेल में बता चुकी हूँ ये नेचुरल ओपियॉइड्स हैं जो कि ओपियम प्लांट में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं एंड ये पेन किलर्स का, का काम करते हैं उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल है हीरोइन का हीरोइन जिसे कॉमनली स्मैक के नाम से भी जाना जाता है ये एक सिंथेटिक ओपियोइड है सिंथेटिक ओपियोइड का मतलब ये बनाया गया है केमिकली सिंथेसाइज किया गया है फ्रॉम मॉर्फिन तो मॉर्फिन की एसिटाइलेशन अगर कर दी जाए उसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाए देन इट बिकम हीरोइन सो इट इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फीन ये एक वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जो कि मॉरफीन की एसिटाइलेशन से ऑप्टेंड हुआ है नाउ स्टूडेंट्स ये जो हीरोइन है दिस इज थ्री परसेंट मोर पोटेंट मीन्स मोर एक्टिव दैन मॉर्फीन और हाई पोटेंसी के कारण इसे इलिसिट जो ड्रग ट्रैफिकिंग में यूज़ किया जाता है ये हाईली एडिक्टिव ड्रग है और सबसे ज़्यादा डेंजरस ओपियोइड है मोस्ट डेंजरस ओपियोइड है हीरोइन बिकॉज ऑफ इट्स हाई पोटेंसी इट इज़ इवन मोर पोटेंट देन मॉरफीन क्लियर स्टूडेंट्स सो मॉर्फिन बता है हमें इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द दिटिक्स ऑफ पॉपी प्लांट और मॉर्फिन जो है दिस इज टेकन बाई स्मोकिंग और बाई इंजेक्शन हीरोइन जो है दैट इज अ डिप्रेसेंट वो बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है ठीक है सो इट इंड्यूजेज ड्राउजीनेस और लिथारजी जो आएगी थकी थकी शरीर रहेगा कुछ काम नहीं करेगा नींद आएगी इस तरीके के अफेक्ट्स हैं हीरोइन के नेक्स्ट मैंने तुम्हें तो बताया था स्टूडेंट्स कोकेन कोकेन किसका एग्जाम्पल है कोकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलेंट्स तो कोकेन जो है स्टूडेंट्स दैट दिस इज एक्चुअली ऑप्टेंड फ्रॉम इट इज डिराइव फ्रॉम द लीव्स एंड द यंग ब्रांचेस ऑफ साउथ अमेरिकन प्लांट व्हिच इज़ एरिथ्रोजायलन कोका

को लेके एंड इनकी स्निफिंग की जाती है स्निफिंग मींस इनकी स्मेलिंग की जाती है और इनकी स्मोकिंग की जाती है कोकेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है व्हेन टेकन इन ओवर डोजेज इट इट कैन कॉज हेडेक इट कैन कॉज कन्वल्शंस हेलुसिनेशंस भी होनी शुरू हो जाएंगी और डेथ हो सकती है इंडिविजुअल की बिकॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फेलियर सो कोकेन इज़ अ वेरी स्ट्रांग स्टिमुलेंट हमने पढ़ा था स्टिमुलेंट्स में एग्जाम्पल किसका था स्टूडेंट्स स्टिमुलेंट में एग्जाम्पल था कैफीन का और उसके बाद था कोकेन एंड लास्ट वॉट क्रैक तो क्रैक जो है स्टूडेंट्स क्रैक एक्चुअली ऑपटेंट किया जाता है कोकेन से ही ऑप्टेंट किया जाता है हम कोकेन को अगर हीटिंग करें विध बेकिंग पाउडर और उसकी मोल्डिंग कर दें इन टू हार्ड रॉड्स ठीक है जिसको तोड़ के जो है स्मोकिंग के लिए या इनहेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है और मैंने तुम्हें बताया भी है कि क्रैक की अगर दस मिनट की स्मोकिंग कर ली जाए तो उससे बंदा जो है उस बहुत जल्दी जो है वो नशा चढ़ जाता है ड्रामेटिक हाई में वो पहुंच जाएगा ठीक है और थ्री टू फाइव मिनट्स के लिए एकदम ड्रग का अफेक्ट जो है बहुत स्ट्रांग अफेक्ट ड्रग का विद इन दी बॉडी प्रोड्यूस होता है और जब ड्रग का अफेक्ट ख़त्म होता है तो बॉडी जो है एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग स्टार्ट होती है कि वो ड्रग दोबारा जो है वो बॉडी को मिलना चाहिए देन ओनली द बॉडी विल फंक्शन प्रॉपरली स्टूडेंट्स Clear? so cocaine jo hai, that is an example of stimulant which is obtained from uh, leaves and young branches of south american plant which is erythroxylon coca clear नाउ मैंने बताया था कि ये ड्रग्स किस तरीके से देखो अफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स ड्रग्स एक्चुअली हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं होने देंगे या न्यूरो ट्रांसमीटर्स की फॉर्मेशन नहीं होने देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल uh, मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी विल स्टडी दैट हाउ कोकेन जो है वो न्यूरो ट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट कर रहा है देखो स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं न्यूरॉन्स जो हैं वो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन करते हैं ठीक है कोई भी हम चीज़ को टच करते हैं तो वो सेंसेशन हमारी दिमाग में जाती है फिर दिमाग हमारा ब्रेन जो है वो उसके लिए एक रिस्पॉन्स देता है तो ये नर्व इम्पल्स की मूवमेंट uh, हो रही है और नर्व इम्पल्स की जो मूवमेंट होती है दैट इज थ्रू न्यूरॉन सो ये एक न्यूरॉन है स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ अनदर न्यूरॉन दोनों न्यूरॉन जो हैं वो आपस में जॉइंट नहीं होते उनके बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट तो uh, इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन के एक एंड तक रीच कर गया है ना हाउ इट विल रीच टू दी अदर न्यूरॉन वो दूसरे न्यूरॉन तक कैसे पहुंचता है स्टूडेंट्स वो दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचता है बाय द रिलीज़ ऑफ न्यूरो जैसे अगर इम्पल्स इस एंड तक पहुंचा न्यूरॉन के तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल्स हैं इस न्यूर के अंदर इसमें क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स न्यूरो प्रेजेंट है और न्यूरो कौन सा है डोपा तो ये डोपा अमीन जो है वो रिलीज होगा देखो साइनाप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुआ और दूसरे जो न्यूरॉन है उसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं देखो ये डोपामीन के रिसेप्टर्स हैं तो ये डोपामीन जो है इन डोपामीन रिसेप्टर्स के साथ जुड़ेगा अब जो ये दूसरा न्यूरॉन है वो भी एक्टिव हो जाएगा और इस तरीके से वो इम्पल्स को कंडक्ट करेगा फ्रॉम दिस एंड टू दी एन अदर एंड और दूसरे एंड में अगेन वही होगा अगेन न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट होगा और वो न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे और इस तरीके से देखो नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट होती है वो मूव करती है मतलब एक न्यूरॉन में तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है बट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूर में जो मूवमेंट हो रही है इम्पल्स की वो बाई मीन्स ऑफ केमिकल्स होती है जिसको हम न्यूरो कहते हैं अब देखो स्टूडेंट्स ये जो आ, कोकेन है कोकेन क्या करता है डोपामीन ट्रांसपोर्टर ब्लॉक बाय कोकेन तो जैसे कोकेन देखो आ गया ये जो रॉड्स के फॉर्म में कोकेन जो है वो दिखाया गया है तो व्हेन दिस कोकेन इज़ टेकन विद इन दी बॉडी तो ये कोकेन जो है ये डोपामीन की जो है रिसेप्ट uh, uh, के साथ बाइंडिंग जो है उसको रोक देगा तो इस तरीके से जितने भी ये डोपामीन है इट विल स्टार्ट बाइंडिंग विद दी कोकेन तो न्यूरो जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर्स के साथ या उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी सो so, इस तरीके से ड्रग्स जो हैं स्टूडेंट्स वर्क करते हैं ड्रग्स जो हैं वो न्यूरो की ट्रांसपोर्टेशन जो है उसे रोक देते हैं तो अगर जब ये रोकेंगे तो नेचुरली बॉडी जो है एकदम ड्राउज़ीनेस हो जाएगी या काम करना बंद कर देगी शरीर को कुछ हमारे दिमाग को कोई सूझेगा नहीं क्या करना है क्या रिस्पॉन्स देना है कैसे बातें करनी कैसे काम करना है तो ये जो इनएक्टिवनेस आती है दैट इज ड्यू टू दी ब्लॉकेज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है शाइकोडेलिक ट्रग्स शाइकोडेलिक ड्रग्स मैंने तुम्हें बताया था विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स होते हैं ये इल्यूजन्स प्रोड्यूस करते हैं ये ड्रग्स अगर इनटेक किए जाएं तो कुछ विजन्स आनी शुरू हो जाती हैं कुछ आवाज़ जो है सुननी शुरू हो जाती है एक फ्लोटिंग सी फीलिंग आती है फ्लोटिंग मीन्स जैसे इंडिविजुअल uh, जो है वो हवा में उड़ रहा है uh, उसकी बॉडी लाइट हो गई है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर सो ये इफेक्ट्स हैं शाइकोडेलिक ड्रग्स के शाइकोडेलिक ड्रग्स में एग्जाम्पल आता है स्टूडेंट्स एल का लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड इसको हम थोड़ा सा आगे भी थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे ये एक फंगस से ऑप्टेंड किया जाता है जिसका नाम है क्लेविसेप्स पुरपुरिया और दूसरा है केनाबिनोयड्स ये केनाबिनोय जो हैं ये हेम्प प्लांट भंग का प्लांट जिसे कहते हैं केनाबिस सटाइवा सो केनाबिनोइड एल्कोलॉयड्स हैं जो कि ऑप्टेंड किए जा रहे हैं फ्रॉम केनाबिस सटाइवा दैट इज हेम्प हेम्प प्लांट एंड इसके अलग अलग देखो केनाबिस प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तौर से यूज़ किया जा रहा है फॉर एग्जांपल भंग भंग क्या है दैट इज़ फ्रेश और ड्राइड लीव्स जो शिवरात्रि के टाइम जो पकौड़े बनते हैं और जो लिए जाते हैं दे आर एक्चुअली भंग सो दे आर एक्चुअली द लीव्स ऑफ दिस प्लांट कैनाबिस सेटाइवा गांजा जो है वो ड्राइड अनफर्टिलाइज फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है केनाबिस सेटाइवा का और चरस क्या है चरस ड्राइड रेजन है एक्सट्रैक्टेड फ्राम दी फ्लावरिंग टॉप एंड फ्राम दी लीवस ऑफ दिस प्लांट जब हम केनाबिस से टाइवा बहुत कॉमन प्लांट है हमारे आस पास काफ़ी ये जो है वो पाया जाता है तो अगर हम इसको तुम तो इसकी पत्ती तोड़ो या इसकी टहनी को तोड़ते हो छोटी सी तो उसमें से मिल्की लेटक्स निकलता है तो रेजन निकलता है ना तो इस रेजन को ड्राई करके उससे जो है वो चरस फॉर्म किया जाता है सो हेलोसिनोजेंस हेलोसिनोजेंस जो कि हेलोसिनेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं एल्यूशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं ये नेचुरली ऑप्टेंट किए जाते हैं फ्रॉम प्लांट अट्रोफा बेलोडोना एंड दतूरा एंड ये क्या करेंगे ये ड्रग्स दे विल चेंज दॉट्स फीलिंग्स एंड परसेप्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड दीज ड्रग्स दे आर कॉल्ड एज शाइकेटेलिक ड्रग्स बिकॉज ये हमारे ब्रेन के जो सेरीब्रम पार्ट है उस पर जाके अफेक्ट करते हैं और हमारे सेंस ऑर्गन्स पे अफेक्ट करते हैं हमारा जो सेरीब्रम है स्टूडेंट्स वो जजमेंट uh, के लिए ठीक है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए परसीव करने के लिए ये पार्ट जो है ब्रेन का इन्वॉल्व होता है तो अगर ये ड्रग हमारे सेरिब्रम को अफेक्ट कर रहा है इट मीन्स हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर ठीक है हमारी किसी चीज़ को परसीव करने की पावर कोई चीज़ आगे क्या खड़ी है उसके लिए क्या रिस्पॉन्स देना है बॉडी ने वो सभी चीज़ें जो हैं इट्स दे स्टॉप फंक्शनिंग ठीक है सो so, इसीलिए इन ड्रग्स को साइकेडेलिक्स कहा जाता है बिकॉज़ दे अफेक्ट ऑन द सेरिब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड ऑन द सेंस ऑर्गन्स सो इसमें बताया था एक और एग्जांपल हेलो uh, सिनोजेंस का एलएसडी एलएसडी की फुल फॉर्म स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड. दिस इज द मोस्ट डेंजरस ड्रग जो कि क्रोमोसोमल और फिटल एबनॉर्मिलिटीज़ कॉज करता है बच्चे के अंदर जो है ये एबनॉर्मेलिटीज़ uh, कॉज करेगा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स ये कॉज कर सकता है इट मीन्स ये हमारे जीन लेवल तक क्रोमोजोमल लेवल तक इसका अफेक्ट है सो दिस इज दी मोस्ट डेंजरस ड्रक और यह ऑप्टेंट किया जाता है फ्रॉम अ फंगस क्लैवी सेप्स पुरपोरिया जो कि डिजीज कॉज करता है एर्गॉट ऑफ राई एर्गॉट ऑफ राई दिस इज द डिजीज और एर्गॉट ऑफ राई डिजीज में होता क्या है कि जो राई प्लांट है उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है दैट टर्नस ब्लैक इन कलर बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन बाय दिस पर्टिकुलर फंगस और इस स्क्लेरोशियम से ये एल्कलॉइड तैयार किया जाता है विच इज़ एल एस टी लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल और इससे हॉरीबल ड्रीम्स आते हैं डरावने सपने आते हैं रात को ठीक है और इससे क्रोमोजोमल और फिटल एबनॉर्मेलिटीज हो रही हैं एंड दिस इज दी मोस्ट डेंजरस ड्रग क्लियर स्टूडेंट्स तो कई बार ये आ जाता है एल एस टी किस से uh, ऑप्टेन किया जाता है दिस इज ऑप्टेन फ्रॉम अ फंगस क्लेविसेप्स पुरपुरिया जो कि एरगॉट ऑफ राई जो है हाँ ठीक है एरगॉट ऑफ राई ये डिजीज कॉज करती है टू दी राई प्लांट जिसमें राई की जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं दे दे टर्न ब्लैक इन कलर बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन बाय दिस पर्टिकुलर फंगस नेक्स्ट है केनाबिनॉयड्स केनाबीनॉयड्स भी स्टूडेंट्स हमने डिटेल uh, में डिस्कस किए हैं केनाबिनॉयड्स दीज आर दी एल्कोलॉयड्स जो कि ऑप्टेंड किए जाते हैं फ्रॉम दी प्लांट कैनाबिस सेटाइवा इसको हम भंग भी कहते हैं प्लांट एंड ये भी इंटरैक्ट करते हैं विद दी रिसेप्टर्स जिनको हम केनाबिनोयड रिसेप्टर्स कहते हैं प्रेजेंट इन अवर ब्रेन मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ जितने भी ड्रग्स हैं दे आर अफेक्टिंग अवर ब्रेन और अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर ऑप्टेंड फ्रॉम दिस केनाबिस प्लांट लाइक भंग चरस हशीश मेरिजवाना ठीक है सो दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस विच आर ऑप्टेंड फ्रॉम कैनाबिस सेटाइवा एंड आई हैव टोल्ड यू जैसे कि भंग जो है दैट इज़ दी लीव्स हैं फ्रेश या ड्राइड लीव्स हैं केनाबिस सेटाइबा की गांजा जो है वो ड्राइड अनफर्टिलाइज फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है चरस जो है तुम्हें बताया कि ड्राइड रेजिनस एक्सट्रैक्ट है जो कि इस प्लांट में से निकलता है ठीक है सो दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल सब्स्टांसिस विच आर ऑप्टेंड आह, uh, from the cannabis sativa plant and it is generally taken by inhalation या yeah, इसको orally भी ingest करते हैं जैसे भंके पकोड़े जो हैं वो orally ingest किए जाते हैं and they are known for their effect on the cardiovascular system of the body ठीक है ये हमारे heart पे जाके भी affect करते हैं next है tobacco tobacco जो है students it is smoked it is chewed and used as a snuff also smelling भी इसकी करते हैं लोग ठीक है एंड इट इज़ अ हाई सोर्स ऑफ निकोटीन हाई सोर्स है निकोटीन का सो निकोटीन एल्कलॉयड है जो कि में प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट इन दिस टोबैको प्लांट और टोबैको प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है स्टूडेंट्स निकोशियाना टोबैकम सो निकोशियाना टोबैकम इज़ दाइंटिफिक नेम ऑफ दी टोबैको प्लान्टर इससे ऑप्टेन किया जाता है निकोटीन विच इज़ एल्कोलाइड निकोटीन क्या करता है स्टूडेंट्स निकोटीन जो है वो हमारे एड्रोनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा एंड वेन अगर एड्रनल ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड तो वो हॉर्मोन सिक्रीट करता है एड्रीनालिन और नॉर एड्रिनालिन नॉ स्टूडेंट्स ये एड्रिन एलन और नॉर एड्रिन हमारी बॉडी में नैचुरली भी फॉर्म्ड होते हैं अंडर एमरजेंसी कंडीशंस जैसे हमारी बॉडी जब हम देखते हैं हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या जब हम डर जाते हैं घबरा जाते हैं तो हम उस टाइम देखते हैं कि हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा क्यों क्योंकि यह हमारी ये हॉर्मोन्स जो हैं हमारी बॉडी को उस टाइम उन कंडीशंस के लिए कोप करने के लिए हमें एडजस्ट करवा रहे होते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है ऐसी कंडीशंस में अपने आप को कोप अप कर ले ठीक है एक्साइटमेंट में है हमें तो उस ऐसी फीलिंग्स को किस तरीके से कोप अप करना है तो एट दैट टाइम दीज हार्मोन्स दे आर फॉर्म्ड इन अवर बॉडी तो निकोटीन जो है वो इन हार्मोन्स की फॉर्मेशन करवाता है फ्रॉम द एडनल ग्लैंड तो नेचुरली होगा क्या इससे ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और हार्ट रेट जो है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज़ एंड इट इंक्रीज चांसेस ऑफ लंग कैंसर लंग कैंसर के चांसेज हैं और ब्रोंकाइट हो सकता है एम्फाइसीमा है कोरोनरी जो है हार्ट डिजीजे हो सकती हैं थ्रोट कैंसर हो सकता है गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं कैंसर्स ऑफ यूरिनरी प्लाटर्स सो टोबैको इट इज दॉ इट इज कॉजिंग मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर इन अवर बॉडी एंड स्मोकिंग जब की जाती है टोबैको की तो इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन कार्बन मोनॉक्साइड कॉन्टेंट ऑफ ब्लड तो होता क्या है कि अगर हम स्मोकिंग करते हैं टोबैको की तो उससे क्या होगा हमारी बॉडी में कार्बन uh, मोनोक्साइड का जो अमाउंट है दैट इज इंक्रीज एंड वेन द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोक्साइड इनक्रीजेज दैन इट विल रिड्यूज दंसन्ट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन डेफिशेंसी इन दी बॉडी इज़ क्रिएटेड यू नो दैट कि हमारी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बट ये जो कार्बन मोनोक्साइड है स्टूडेंट्स इसकी जो एफिनिटी है हमारी हीमोग्लोबिन के साथ वो 400 टाइम्स ज़्यादा है देन ऑक्सीजन इसका मतलब अगर बॉडी में कार्बन मोनोक्साइड प्रेजेंट है एट दैट टाइम द हीमोग्लोबिन, इट विल कंबाइन विद कार्बन मोनोक्साइड नॉट विद ऑक्सीजन व्हाई बिकॉज द एफिनिटी ऑफ दिस हीमोग्लोबिन विद कार्बन मोनोक्साइड दैट इज़ 400 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन सो नेचुरली बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशंसी हो जाएगी सांस लेने में तकलीफ़ होगी सफोकेशन होगी एंड चूइंग टोबैको अगर टोबैको को चबा के खाया जाता है चूइंग की जाती है तो उससे औरल कैंसर हो सकता है विच कैन बी फेटल इन मोस्ट केसेस सो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स हमने ड्रग्स की टाइप्स पढ़ी उसके फंक्शंस पढ़े तो आई थिंक ये टॉपिक जो है हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं एंड आई होप कि तुम सबको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा नाउ वी आर लेफ्ट विद सम लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एडोलेसेंस एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस एंड एल्कोहल एब्यूज सो दिस वी विल डू लेटर ऑन थैंक यू स्टूडेंट्स